नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने आज रात्रि में सिरोंज लटेरी और मुरवास पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने जिला कलेक्टर और एसपी से सशस्त्र बल और सिपाहियों की संख्या बढ़ाने को भी कहा। आज 26 फरवरी 2022 को मैं 3:29 में लटेरी में हूं और सराफा में जो स्थायी गश्त लगती है पुलिस की सुरक्षा की दृष्टि से, रात्रि सुरक्षा, यहाँ 2 जवान तैनात हैं, 1 सशस्त्र हैं और सिरोंज चौराहे पर भी 1 जवान और 1 नगर सुरक्षा समिति के सदस्य थे। थाने में 1 सिपाही और 1 हेड कांस्टेबल है, लेकिन थाने वाले दोनों सिपाही और हेड कांस्टेबल जी पर शस्त्र नहीं था, बंदूक नहीं थी, जो चिंता का विषय है। लटेरी में मुझे जानकारी मिली है कि स्टाफ की बहुत कमी है, 31 सिपाही चाहिए, उनमें से मात्र 14 है और मात्र 2 पॉइंट लटेरी में लगे हैं, जबकि कम से कम 2 पॉइंटों की और लटेरी में आवश्यकता है स्थाई रात्रि गश्त की। मैं इस माध्यम से एसपी महोदया से, कलेक्टर महोदय से प्रार्थना करता हूं कि लटेरी एक संवेदनशील स्थान है और यहां पहले भी बड़ी चोरी हो चुकी है, गिरोह बना के एक तरह से डकैती की जा चुकी है, 20-20 आदमियों ने आकर सराफे की चोरी की है, उस चोरी का माल आज तक नहीं मिला। यहां पर सशस्त्र बल बढ़ाया जावे, सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जावे ताकि लटेरी शहर सहित बहुत लंबा चौड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था हो सके। जो जवान दोनों पॉइंटों पर तैनात हैं और कर्तव्य का मुस्तैदी से पालन कर रहे हैं, चारों बंधुओं के लिए और खासतौर से नगर सुरक्षा समिति के बंधु के लिए जो रात्रि में रात भर जागकर गश्त में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। आपकी मुस्तैदी ही शहर की सुरक्षा के लिए लाभकारी है। मैं पुनः शासन से अपेक्षा करता हूं लटेरी और सिरोंज में पुलिस बल बढ़ाया जावे, जिससे कि रात्रि गश्त और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी पर्याप्त संख्या में पुलिस उपलब्ध रहे। मैं पुनः खबर समय जगत के लिए सिरोंज से जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।